हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने विंटर में जितने प्लांट मेरे फ्लावरिंग पे है उसे दिखा रहा हूँ। ये देखिए वीडियो की शुरुआत, ये डहलिया के सुंदर सुंदर फूलों के साथ। ये देखिए ये पहला फ्लावर मेरे गार्डन में खिला है डहलिया का। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और लाइक भी किया करें। तो इधर से शुरू करते हैं। ये देखिए ये मेरा यूफोर्बिया लगा हुआ है, ये मिनिएचर वाला, और इसकी देखिए फ्लावरिंग हो रही है और पूरी लीव देखिए फॉल हो गई है। और उसी के बाद ये देखिए ये दूसरा वाला यूफोर्बिया, इसमें भी फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। और पीछे ये देखिए, आप तो देख ही रहे हैं डहलिया। डहलिया विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और देखिए इसमें अब बड भी आ रही है। और उसके बाद ये देखिए ये वाला डहलिया, इसमें काफ़ी सारी बड है। अगर आप इसकी सारी बड तोड़ देंगे और एक या दो ही बड रखेंगे तो इसके फ्लावर का साइज़ एकदम बड़ा रहेगा। और लेकिन ज़्यादा फ्लावर रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। और देखिए ये उसके बाद ये कैलेंडुला, ये देखिए इसमें भी कितनी सारी बडिंग है। और ये एक फ्लावर भी खिला हुआ है येलो कलर का। तो आप इससे देखिए विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट वो छोटे पॉट में लगाएंगे तो एकदम अच्छे चलते हैं। देखिए डहलिया भी मेरा छोटे से ही पॉट में लगा हुआ है। और इसके बाद ये देखिए मैरीगोल्ड, ये जाफरी मैरीगोल्ड है, इसमें भी देखिए ब्लूमिंग। जाफरी मैरीगोल्ड छोटा रहता है इसलिए देखिए इसमें काफ़ी सारी ब्लूमिंग होती है। और इसी के बाद ये देखिए ये एलोवेरा की बर्ड बनी है कितनी अच्छी। और ये देखिए ये हमारा ये दूसरा येलो वाला मैरीगोल्ड, इसमें भी एक फ्लावर है। और देखिए इसकी हालत कितनी ख़राब है इसके प्लांट की, देखिए बस एक ही है। इसके बाद ये फिर एक जाफरी मैरीगोल्ड, और ये ऑरेंज वाला है लेकिन ये अभी प्लांट छोटा है, इसमें भी देखिए बड आ गई है, अब ये फ्लावरिंग होगी। और ये कैलेंचोई, ये देखिए सारे में कितनी अच्छी बडिंग है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप देख लें वहाँ से। ये देखिए, और ये पीछे के कैलेंडुला की कटिंग लगाया हूँ मैं, वो भी लग गई। और ये देखिए ये भी वही, इसकी देखिए अब कलियाँ एकदम खिलने वाली हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत क्रिसेंथेमम के फूल, जो कि अब इनका जाने का समय आ गया है। देखिए अब ये देखिए इनकी हालत ख़राब हो गई है, और अब इस पर पेस्ट का अटैक भी होने लगा है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे बारीक बारीक से इस पर काले काले पूरे लगे हुए हैं। अब इनके फ्लावर को मुझे हटाना, ये देखिए अब इसकी इसका टाइम पूरा हो गया है। इसमें भी देखिए नए उन भी खिल रहे हैं। और ये देखिए आप, इतने ही प्लांट हैं मेरे विंटर के, लेकिन फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है सब में। और रोज़ है मेरा, वो ऊपर रखा हुआ है टेरिस पे, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसमें भी एकदम अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और बडिंग भी हो रही है। आप बस विंटर फ्लावरिंग प्लांट पे आप पानी का ख्याल रखें, जब इसकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए तभी आप इसमें अपने पानी डालें, तो आपका प्लांट एकदम हेल्थी रहेगा और अच्छा चलेगा। और ये देखिए ये सब अभी इसमें बड बन भी रही है क्रिसेंथेमम में, वो भी अभी ब्लूम होगी। और ये देखिए टमाटर की सैपलिंग, ये भी अब मुझे लगाना है कहीं। तो ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चलिए मैं आपको अब अपने रोज़ प्लांट दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक ब्लूमिंग है मेरे रोज़ में, और बड भी कितनी अच्छी देखिए पूरे प्लांट में बनी है। और ये देखिए ये इतने बड़े से प्लास्टिक उसमें लगा है, और ये इंग्लिश रोज़ है, इसमें पता नहीं क्यों बड नहीं आ रही है। और न्यू लीफ खूब निकल रही है लेकिन बड इसमें आ ही नहीं रही अभी, देखिए वेट करता हूँ। इसमें फर्टिलाइज़र भी मैं देता हूँ लेकिन नहीं आ रही। और देखिए ये वाला, इसमें इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड्स बाय।